राइस मोटर आ गया ऊपर, कह रहा ऊपर आ गया, बहुत अच्छा पीछे सनसेट हो रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर आके जैसे कि एक जान सी नहीं आ सकती क्या, क्योंकि हमें ये चीज़ ना पसंद है, धूप नहीं पहाड़ ये पहाड़ी एरिया अच्छा पसंद है, इसलिए पहाड़ों में पेड़ पौधे पहाड़ी सब मुझे बहुत पसंद है, मुझे क्या इन्हें इन्हें भी हम दोनों को पसंद है बस, फायस थी पहाड़ों में जाने की, बारह से लेकर आ गया, छुट्टी पड़ गई थी एक महीने के लिए, मैं चलो भाई फिर मुझे फोन कर दो, मैंने एक बार मोटर चला दिया फोन रखा हुआ, तो गाइस पता है आप लोगों के कमेंट इतने आ रहे हैं कि भाई क्यों आए हो आप छोड़ के वहाँ से, आपके भाई की लड़ाई होगी क्या, अलग हो गए क्या, इस तरह के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट इतने, तो क्या मगर यार क्या बताऊँ इन्हें भाई, ना तो हमारी लड़ाई हुई है ना हम घर छोड़ के वैसे आए गुस्से में, अभी पड़ गई छुट्टी हमारी, तो फिर हम भी पहाड़ों पहाड़ों करते रहती, गर्मी हो रही है चलो पहाड़ों में, गर्मी हो रही है चलो पहाड़ों में, तो मैं चलो भाई एक दो दिन के लिए क्या, मैं एक महीने के लिए चल लिया छुट्टी ले गया, मैंने भी अपनी क्लिनिक से एक महीने की छुट्टी ले ली, फिर हम छुट्टी रहती है, आ गया आगे चल गया चल गया चल गया, ये टैंक दे दी आ रहा तो चलन दे बता देंगे, हाँ तो फिर हम मुझे करते रहते थे पहाड़ों में चलेंगे घूमने, मकान भी वहीं पर लेंगे पहाड़ों में, इसकी ख्वाहिश भी शुरू से पहाड़ों में रहती कि भाई पहाड़ों में रहेंगे वहीं मकान लेंगे शुरू से ही, इसकी और मेरी जो चॉइस थी शुरू से ही सेम रहती है कि भाई पहाड़ों में चलेंगे पहाड़ों में मकान लेंगे, अपना पर्सनल मकान लेंगे ना अपना, अभी कमेंट भी आते हैं हमने खुद का मकान लिया है या रेंट पर लिया है, हम फ्यूचर में मकान लेंगे ना पता क्या है, ये जिसका मकान है मैं अभी देवेंद्र हमने बातचीत भी करी थी उनसे, तो वो कहते भाई हम अभी देख नहीं रहे, तो हम रह भी रहे, मैं चलो एक महीने रह के देखते हैं हमारा मन कैसे लगता है यहाँ पे, क्योंकि अभी तो कुछ हमारा मन नहीं लगा, मम्मी पापा भी आए हुए थे, मम्मी पापा का तो मन लगा ही नहीं, मैं भी चले गए हमारा मन भी नहीं लगा उनके भी ना, तो भाई इसी वजह से हम आए यहाँ पे कि भाई पता क्या अब घर पर कोई नहीं था, तुम बोलते हो ना भाई से लड़का है ये लड़का है ऐसा कुछ नहीं, घर पर कोई नहीं था फिलहाल, तो मम्मी पापा हमारे साथ आ गए थे, छोटे वाला भाई भी हमारे साथ आ गया, तो इसलिए घर पर कोई ना कोई रहता था घर पे, तो बड़े वाला भाई और अभी विधान घर पे थे, तो अब पापा अपने घर पे जाएगी अपने मायके जाएगी, पापा ही चले गए घर पे, तो मैंने कहा था उन्हें भेज दियो, तो वह कहने लगे अभी घर पे जा रही है मतलब अभी अपने घर जाएगी, तो वहाँ से आने के बाद फिर भी आ जाएंगे यहाँ पर हमारे पास में कुछ दिन रहने के लिए, फिर मतलब ऐसे ही हमारे मन लगा रहेगा उनका भी लगा रहेगा, पहले हम घूमने जाते थे ना कहीं, तो भाई होटल लिया और एक दिन के होटल का खर्चा 4-5 हज़ार रुपये ऐसे ऐसे रहता था, तो मैं चलिए अभी इतना पैसा खर्च कर ही दिया है ना, तो एक बार इतना पैसा खर्च कर देते हैं अपना एक महीने तक अपना टेंशन फ्री, कुछ ही बनाओ कुछ ही खाओ, जो मन कर रहा हो बना लो, जो मन कर रहा हो खा लो, कभी घूम लो किसी टाइम खा लो किसी टाइम सोकर उठ लो, छुट्टी चाहिए हाँ। कोई बात नहीं भाई, और आप लोग इतने कमेंट आते थे भैया आप घर घर की वीडियो दिखाते रहते हो, आप ऊपर ऊपर की वीडियो दिखाते रहते हो, ऐसे बहुत सारे कमेंट थे, तो भाई हमारे दिन में सोचा यार मगर चलो आप लोगों के लिए भी कुछ नया दिखाए क्या करे क्या नहीं करे, तो हम दोनों हमने डिसीजन लिया था किले में ही, मैं चलो ऐसा करते हैं महीने की छुट्टी लेते हैं, घर वालों को तो हमने बताया भी नहीं था, बाद में बताया जब हमने हाँ भाई, क्योंकि हम लोग भी सोचते थे ना कैंसिल हो जाता था हमारा सारा काम ना पहले ही कैंसिल हो जाता था जो भी सोचते थे, तो इसलिए मैं छोटे वाला यहाँ पे आया, पहले मकान देखा, मकान देखने के बाद हमें पसंद आ गया, काम वाम करवाया, पेंट वेंट होना था, फर्नीचर वर्नीचर होना थोड़ा बहुत सब काम हो गया, उसके बाद जब सारा कंप्लीट हो गया तो अपने पापा को बताया कि मकान देख लिया वहाँ पर ले लिया पैसे वैसे देखा गया हूँ, तो पापा कहने भाई तुमने बताया नहीं वहाँ कोई नहीं, तो पापा मैं मम्मी भेजे हूँ, मैं छोटे वाला बाइक तो बाइक से आ गए थे, मम्मी पापा फिर आए थे बुलेट से उस बस से सॉरी कार से कार से आए थे मैं, तो भाई मैं चलो ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे मन लगता रहा हमारा भी जाने का जाने का जाने का, एक बात और बताऊँ देखो बड़ों का सपोर्ट इतना है हमें, उनके बिना परमिशन के ही हम आ पाते ना, उनके सपोर्ट के बिना हमें 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 कहा कोई बात नहीं बेटा तुम आगे बढ़ो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो और खुशी है तो मुझे आगे बढ़ोगे, तो मैं चलो ठीक है, मगर जो इतने में हाथ खराब है ना वे भी कहते थे भैया कुछ नया दिखाओ नया दिखाओ, तो इसी वजह से हम भी कुछ नया दिखाने के लिए, इससे बड़ा कोई सिटी मुझे दिखा नहीं भैया आस पास में देहरादून से बढ़िया घूमने फिरने का भी, वैसे भी दो किलोमीटर दूर पे ही जो है ताऊ जी रहते हैं, ताऊ जी और बुआ जी है यहाँ पे, कल जब हमने खाना अपना खराब खाना था वो बोल रही यहाँ पे था, ताऊ जी को आपने देख लिया, ताऊ जी उधर भी और हमारा यहाँ पे, और भाई एक कमेंट आ रहा था बहुत अच्छा लगा उनका कमेंट पढ़ के, क्या था रेनू शर्मा के नाम से, मतलब ये इतना सपोर्ट कर रही है कि तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना हमें बता दियो, हम जीबी रोड जीएम रोड पे रहते हैं, अच्छा। तो आप सब आपने ये बोला इसके लिए थैंक यू, जो भी कुछ जरूरत होगी हम आपको जरूर बताएंगे, वैसे भी हम यहाँ पे नए हैं इतना कुछ नहीं पता, आप सबको इतना सपोर्ट है यहाँ पे, और पता क्या है एक सब्सक्राइबर है देहरादून के ना, हाँ। बोले तुम कहाँ पे रहते हो कौन सी कॉलोनी में रहते हो, मतलब काफी लोग कमेंट आए कहाँ पे लिया तुमने मकान, कहाँ मकान लिया कहाँ पे रहते हो, तो भाई अपना मकान लिया है ये है नारायण विहार कारगिल रोड बोलते हैं, तेज डिसी कॉलोनी लाल पुल है ना
लाल पुल से सीधे सड़क पर आ जाओ, सीधी सड़क सीधी यहाँ पे आएगी नारायण विहार पे, नारायण विहार पर लाइन नंबर 13 है। ये भगरेती स्कूल है ना सामने, दीदी इसमें पढ़ाने आती है, मतलब ताऊजी की लड़की है ना जो, इसी स्कूल जो पढ़ाने आती है। सामने दिखा होगा नीली वाली बिल्डिंग, तो इस बिल्डिंग से ऐसे आने के बाद यहाँ पे वो है गली, उस गली सीधा उसी गली को सीधा आते रहो, ये आगे हमारा घर दिख जाएगा। सेम जैसे दो मकान जो यहाँ पे रहते हैं दादू, उन्हें पता होगा नहीं, जो दादू आते रहते भी है घूमते फिरते, जिन्हें पता है उस बारे में। और सर साइड देखो कितना अच्छा हो रहा है, ये वाला मकान और ये वाला मकान सेम है, बाहर से देखने में बिल्कुल सेम। ये देखो सनसेट, सनराइज, सनराइज बहुत अच्छा लगता है कोने में, और सनसेट भी। मतलब मैंने ये सोची मैं देहरादून है जैसे कि यहाँ पे मतलब थोड़े से स्टैंडर्ड के लोग हैं तो पूजा पाठ इतनी नहीं करते, पर हाँ यहाँ पे ना अभी भी कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है। यहाँ पे सुरगंडा माता का मंदिर है, यहाँ पे एक तो पहाड़ों में बहुत ऊंचा, एक ही पे बना रखा है, तो यहाँ पे भी चल रही है कथा कई दिनों से, और कल यहाँ पे भी होता था कथा वगैरह थी। तो भाई यहाँ पे भी खाटू स्वाम के बहुत दीवाने हैं, दिखाता हूँ आपको झंडा, एक यहाँ पे लग रहा है सामने, खेती वगैरह सब हो रही है ना। ये देखो पीछे ये आम के पेड़ लगा दिए किसी ने अपने खेत में, पीछे आम के पेड़ है और ये आम लगे हुए हैं, यहाँ पे शायद कद्दू लगा रखे हैं, कद्दू वगैरह लगा रखे हैं। यहाँ पे ताजी बता दी, इस टाइम हम आए थे यहाँ पे तो बहुत सस्ते थे, उस टाइम हमने लिया नहीं खेत खेत था, आज 40-50 हज़ार रुपये गज के हिसाब से रेट है यहाँ पे, जहाँ पे हम खड़े हैं 1 करोड़ रुपये गए। तो ये है भाई, तो आप लोगों के सबके कमेंट मिल चुके हैं, आप लोगों को कुछ कमेंट होगा तो आप बताना, जो भी कमेंट होगा हम आपके रिप्लाई जरूर करेंगे, पर अब आप लोगों की सपोर्ट चाहिए हमें। और गुस्से में मत पूछा करो, थोड़ा प्यार से पूछ लिया करो, हमें अच्छा लगेगा, मैं तो डर जाऊं तेरे को। पता क्या आप लोगों को सपोर्ट चाहिए हमें, आप लोगों की वजह से हम अपना घर छोड़ के आए भाई, आप लोगों को नया दिखाए कुछ, क्योंकि इसी वजह से हम मेन आज हमारा मकसद था ना आप लोगों के लिए था कि भाई कुछ नया, आप बोलते थे नया दिखाओ नया दिखाओ, हम भी घर घर दिखा के परेशान हो गए थे भाई, सुबह उठे खाना बनाया दिखाया खाना बनाया, ये था रोज रूटीन, खाना भी दिखाऊंगी मैं तो, ये रोज का रूटीन था। मैं क्लिनिक जाता था, ब्लॉग नहीं बन पाता था, फिर हम ऐसा भी कुछ संभालती थी, काम भी करती थी, तो हम दोनों ब्लॉग बनाते वैसे तो, या तो मैं ब्लॉग बनाऊंगा तो फिर हम काम करेंगे तो मैं बनाऊंगा, ऐसे ही रहता था हमारा। तो हम दोनों फ्री है इस टाइम, ब्लॉग मिलेंगे आपको अच्छे अच्छे, ब्लॉग मिलेगा गाइस, सपोर्ट करना। हाँ आप लोगों का सपोर्ट है भाई, जितने भी लोग हैं ना, कुछ यहाँ के बारे में जानना होगा तो बता दिए, जहाँ जहाँ जाना है आप कुछ कमेंट करके बताना कि कौन सी जगह अच्छी है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है कमेंट करके बताना, हम लोग वहीं पे जाएंगे। फिलहाल मैं छोटे वाला भाई, फिर हम रह गए यहाँ पे और वैष्णो भी सोई थी, तो जैसे भी जिसको भी आना है आओ भाई, फैमिली में कभी कोई सबसे बात है भाई, हम भी आया करेंगे, अब जो घूमने हम भी आया करेंगे, अब टेंशन नहीं है भाई कहीं जाने की, कहने की मकान खुद का है, पर्सनल कमरा पड़ा है, और पीछे सब गाड़ी वाड़ी सब चीज़ें, होटल में जाओ और 4-5 हज़ार रुपये होटल में दो, इतने में हमने अपना एक खुद का मकान ले लिया, और ये पूछ रहे हैं रेंट पे ही है, ये रेंटल है, ये हाँ ये अभी रेंटल ही है भाई, रेंट इसका 12 हज़ार रुपये, और मेरा 12 के 15 के आसपास पड़ा है, मैं पूरा 15 के आसपास बिजली के बिल वगैरह सब कुछ मिला, तो 15 हज़ार रुपये के आसपास है, जो हमारा खर्चा जितना हम करेंगे उसके हिसाब से ही है भाई, वही 10-12 हज़ार रुपये किचन का सामान है, और जो मैं रोज का रूटीन है दूध वूध का, वो यहाँ 25-30 हज़ार रुपये के आसपास का मंथली पड़ जाएगा, मैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पर वही एक महीना रह भी लेंगे, वरना होटल में तो सब दुगना तीगना चौगना पड़ता है, होटल में काफी महंगा पड़ता भाई, अपना पर्सनल है ना ये, जाओ घूम का कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं देखो पैरट, ये देख लो भाई कितने सारे पैरट, इधर सूरज इधर चांद, हवा ना सुबह से चली थी बहुत तगड़े वाली, सामने पहाड़ देखने शुरू हो गए, सामने मसूरी है भाई, ये रात को आपने देखा लाइट कितनी तेज चलती है यहाँ पे, सारा पहाड़ का लाइट दिखते हैं मसूरी की, मस्त लग रहा है। तो गाइस चलो ठीक है, आप लोगों के लिए इतना व्लॉग बनाया हमने, तो और कुछ कमेंट का बताना, उस कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको, उससे मैंने थोड़ा प्यार से पढ़ने में भी अच्छे लगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा, सी यू नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।